एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद एटा के ब्लॉक शीतलपुर में स्थित दुल्हापुर गांव पहुंचा। यह गांव ब्लॉक से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में गांव के प्रधान रजनी देवी हैं। लगभग 1900 की आबादी व 951 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण गाँव में काफी मूलभूत सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है। वर्तमान समय में गाँव में 60 परिवार राशन कार्ड से वंचित है। साथ ही गाँव में 42 विधवा पेंशन, 45 वृद्धा पेंशन व 5 विकलांग पेंशन लाभार्थी पेंशन से वंचित हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 81 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में 18 हैंडपंप, 100 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं। वर्तमान ग्राम प्रधान के देखरेख में गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, चक रोड, पानी निकासी के लिए नाली व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 80 इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में खडंजा, सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, तालाब, बारात घर, पंचायत घर, जूनियर हाई स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधानपति गंगा प्रसाद वर्मा, ग्राम पंचायत दूलापुर से, ब्लॉक शीतलपुर, जिला एटा। 200 मीटर खंजा कराया है, 250 मीटर खंजा कराया है और 100 मीटर की सीसी कराई है और 1 पुलिया बनवाई है, 3 आवाज दिलवाए, हैंडपम्प की मरम्मत कराई है, तालाब की खुदाई, चकरों पे मट्टी करवाई है। ना पंचायत घर है, ना बारात घर है, लोगों को बहुत दिक्कत हुई हमारे यहाँ आवाज और प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए हमारे, बहुत सारी समस्याएं हैं।